नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं रंजन कुमार और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल से एक प्रोफेशनल इंट्रो वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि जिस तरीके से मैं आपको इंट्रो बनाने के लिए बताने वाला हूँ वो बिल्कुल ही फ्री और सबसे आसान तरीका है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो से अपडेट रह सकें। दोस्तों, इस इंट्रो को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, काइन मास्टर के ऐप है जो कि बिल्कुल ही फ्री है। आप उसे वहाँ पर जाके आप काइन मास्टर ऐप से इसे बनाएंगे और मैं भी इसे बनाऊंगा, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप काइन मास्टर ऐप में जाने के बाद क्रिएट न्यू में जाएंगे। क्रिएट न्यू जाने के बाद 16:9 को सेलेक्ट करके आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आप यहां से एक सॉलिड इमेज लेंगे, जैसे ब्लैक मैंने ले लिया है। 10 से 12 तक इसका ड्यूरेशन आप कर लेंगे, ये हो गया आपका 12 तक। 12 तक करने के बाद इसके फिर से आप इसके शुरू में आ जाएंगे। शुरू में आने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा एक वीडियो का, आप वो वीडियो यहाँ पे ले लेंगे। तो आप लोग, मैं क्या करूँगा, लेयर में जाके मीडिया में जाके मैं क्लिक करूँगा। तो हम लोग जाके पहले वीडियो में क्लिक करेंगे। मीडिया पे जाने के बाद लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद मीडिया में जाने के बाद आप अपना लोगो ले लेंगे, जैसे मैं अपना लोगो ले लिया हूँ। लोगो लेने के बाद इसे आप बढ़ा कर लास्ट तक कर देंगे और उसे आप एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद बैक टू बैक कर देंगे। बैक करने के बाद थोड़ा पीछे जाने के बाद आप अपने जो वीडियो लिया है, वीडियो में जाने के बाद उसमें क्रोमा की अप्लाई करना है, तो क्रोमा को इनेबल कर लेना है। क्रोमा को इनेबल करने के बाद आप बैक आना है, उसे एक बार हम चेक कर लेंगे। जैसे तो मेरा लोगो आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, लोगो को हम एडजस्ट करेंगे। तो लोगो एडजस्ट करने हम लोगों पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम पीछे जाएंगे, देखें लोगो हमारा ठीक से सेट नहीं हुआ, तो इसे हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके इसे सेट कर लेंगे। जैसे ये देख सकते हैं, ऐसे मैंने सेट कर लिया। सेट करने के बाद इसे फिर से हम लोग देखेंगे। मेरा लोगो आता है, ये हल्का सा लोगो आएगा। यहाँ पे हम लोग, आप जो भी आपका चैनल का नाम होगा, आप अपना चैनल का नाम लिखेंगे। तो यहाँ लेयर में जाएंगे, लेयर में जाने के बाद टेक्स्ट में क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं अपना चैनल का नाम लिख देता हूँ, इस तरीके से नाम लिख लिया। उसको फॉन्ट में जाऊंगा। फॉन्ट में जाने के बाद आप अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगेगा आप यहाँ से आप फॉन्ट आप ले लेंगे। तो मैं यहाँ से कोई भी एक फॉन्ट ले लेता हूँ, जैसे मैं ये फॉन्ट ले लिया। फॉन्ट लेने के बाद थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर लूँगा। फ़ॉन्ट को क्या करूँगा, इसमें फ़ॉन्ट में जाने के बाद इसमें हम लोग एनिमेट फ़ॉन्ट को करना है। तो इन एनिमेट में जाकर आपको लास्ट में मिलेगा रूबर स्टैम्प, इसे आप इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद आप बैक जाएंगे। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, इसमें थोड़ा कलर कर देंगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो कलर में आप आउटलाइन कर देंगे। आउटलाइन में जाने के बाद आप इसे इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद यहाँ पर हम कोई भी कलर आप ले सकते हैं, मैं ब्लू ले लेता हूँ, मैं टिक कर दूँगा। उसके बाद जैसे बैक जाने के बाद जैसे आपका, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर आपको चेक करना, जैसे आपका नाम यहाँ आ जाता है पूरी तरह। उसके बाद यहाँ क्या करना है, आपको सिंपल से लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद स्टिकर पे क्लिक करना है। लेयर में ये लाइट पॉइंट है, आए अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शॉप का जो आपको फ़ोटो दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप नेट ओपन करके ऐसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।
तो मैं लाइट पॉइंट पर जाके यहाँ पे बहुत सारा आपको दिखाया लाइट पॉइंट इस तरीके से आप कोई भी ले सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये लास्ट वाला एक ले लेता हूँ, ठीक है। इसे लेकर आप ये नेम है उसके लास्ट में आप इसे लगा कर ये आइकन को आप पूरा सभी को बराबर में कर देंगे ताकि वो एक साथ सब आपको एक साथ लगेगा तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। अब इसे हम लोग फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपना लोगो प्रोफेशनल लोगो बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों हमारे चैनल पर आने के लिए, हमारे साथ बने रहें और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।